क्वेश्चन लिखिएगा, समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्वेश्चन लिखिएगा, समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में कार्यरत समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। बल आघूर्ण इसका इंग्लिश होता है टॉर्क, टी ओ आर क्यू यू ई, कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक फॉर्मूला, समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। हाँ, बोर्ड पे लिखा है बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, लाइन चेंज करके लिखेगा, अथवा साबित करें कि, लाइन चेंज करके लिखना है, अथवा साबित करें कि, अथवा साबित करें कि टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। सुनिए, क्वेश्चन लिखिएगा, समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, अथवा साबित करें कि टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, अथवा साबित करें कि टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। अथवा साबित करें कि टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, ये प्रूफ करना है। देखिए, इसको बोलेंगे टॉर्क। अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम होता है तो टॉर्च बोलते हो ना, तो चो के जगह पे को लिख दो, क्या हो जाएगा, टॉर्क। इसको टॉर्को टूर्को टिरकी नहीं पढ़ना है, टॉर्क बोलना है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, टॉर्क, ठीक ना। हो गया, अथवा साबित करें कि टॉर्क और पी साइन थीटा, इसको प्रूफ करना है। देख बेटा, अगर ये पाँच नंबर में नहीं आया, दो नंबर में नहीं आया, तो ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है एकदम, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आपको मिल जाएगा उसमें, क्वेश्चन बैंक में, ठीक है ना। अभी ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझिएगा, हम प्रूफ कर रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ भी लेना, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, प्रूफ कर रहे हैं, देखो ध्यान से।
मान लीजिए यह समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप समझते हो ना, समान रूप। अब इसके बाद इसमें हम एक वो इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक वो रख दिए, अलग कलर से दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिए, यहाँ तक रख दीजिए, कोई दिक्कत पड़े। इलेक्ट्रिक डायपोल आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को एक तरफ लिखते हैं बेटा ए, मान लीजिए एक तरफ क्या लिख दिए बी, इस पर एक तरफ चार्ज है माइनस क्यू और एक तरफ क्या है प्लस क्यू। डायपोल की टोटल लंबाई कितनी होती है याद है, कितना होता है 12, नहीं बताए हैं 12 जो होता है डायपोल की टोटल लंबाई होती है। अगर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसमें हम डायपोल रख रहे हैं, डायपोल जब रख रहे थे ये कुछ कोण बना रहे हैं ना, नहीं कोण बना रहा है, ऐसे सीधा रखें 90 डिग्री हो गया, ऐसे कुछ कोण बना रहे हैं ना। ये डायपोल जब हम रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या जब हम डायपोल को रखें देख कुछ कोण बना रहे हैं, बना रहा है, तो मान लीजिए कौन कितना बना रहा है थीटा बना रहा है, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या करेंगे, इसको यहां से हम अब बनावट कर रहे हैं, ये काम खत्म हो गया, अब कंस्ट्रक्शन, यहां से यहां क्या करते हैं लंब डाल देते हैं, इसको मान लीजिए क्या सी, कोई दिक्कत। फिर सुन, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रे विद्युत क्षेत्र रेखा, इसी में ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको रख रहे हैं थीटा कोण के साथ, रख दिए, और डायपोल की टोटल लंबाई यहां से यहां होता है कितना 12, क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन के अनुसार हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इसमें अपना दिमाग लगाए, क्या दिमाग लगाए, बी से लंब क्या डाल दिए बी सी डाल दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझना है खाली, 11th क्लास अगर पढ़े हैं तो फॉर्मूला पढ़ाएंगे, एक्टिंग टॉर्क कार्यरत बल आघूर्ण, एक्टिंग टॉर्क हिंदी हो जाएगा कार्यरत बल आघूर्ण, कार्यरत बल आघूर्ण, ठीक है, एक्टिंग टॉर्क कार्यरत बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बेटा 11th क्लास में बताएंगे, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हिंदी क्या हो जाएगा बल गुने टॉर्क का सिंबल ये होता है, इसको को उल्टा जेने पढ़िएगा, ठीक है टॉर्क, अरे तुम इसको 8 पढ़ते हो ना, इसको क्या बोलते हो, इसको सूताव 8 बोला है कभी है? तो जब इसको आप सूताव 8 में बोल सकते हैं तो इसको आप कैसे बोलेगा उल्टा जी, इसका नाम है टॉर्क सिंबल, जैसे अल्फा होता है बीटा होता है ना, इसको तुम कभी बोले हो, इसको क्या पढ़ते हो, इसको कभी बोले हो बी का पढ़ावा पूछ बोलते हैं, नहीं ना बोलते हैं, जब वहां नहीं बोलते यहां क्यों बोलिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे बीटा, उसी वजह से क्या बोलेंगे टॉर्क। फोर्स का सिंबल क्या हो जाता है एफ, होता है ना लंबात्मक, यहां लंब, यहां लंब कौन है बोलो तो, हैं सी लंब है, लंब बी सी होता है, बी सी लंब ना होला है, सी बिंदु होले, ठीक है एफ गुना क्या बी सी, इक्वेशन कितना, यहां तक किसको दिक्कत है पूछिए, कोई दिक्कत छो, यहां तक क्लियर छो। आप देखें एज वी नो दैट, मतलब जैसा हम लोग जानते हैं कि आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
पढ़ाए हैं, ये बताएंगे ए बराबर फोर्स बाय चार्ज, बोलिए हाँ या ना। अगर ए बराबर फोर्स बाय चार्ज को नौकरी गुना कर दें तो एफ बराबर क्यों इसे आए ए इंटू इक्वेशन कितना की दिक्कत नहीं आता बोल आए, कोई दिक्कत यहाँ तक है? दिक्कत तो पूछिए, संकोच मत कीजिए, अगर दिक्कत हो जाए यू कैन आस्क। ठीक है, अभी ध्यान से देखें, फर बोलिए हमरा इंट्रेंगल त्रिभुज एबीसी में, देखिए हमको यहाँ पर एफ और बीसी का मान निकालना है, एफ निकालिए, अब क्या निकालेंगे बीसी। अभी हम बताओ यहाँ पर बीसी क्या लंब है, क्या आधार है, क्या कर्ण है, आ? लंब, तो लंबे लिख के क्या अप्लाई करेंगे साइन या कॉस, आए साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, नहीं पढ़ा है सब रे पी बाय एच रे, बड़ा एकदम आज सर चकित होकर मेरा मुंह देख रहा है, ऐसे अजीब तरह अजीब तरह एक्सप्रेशन होता है चेहरे का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब यहां पर क्या है कर्ण कौन है, ए बी क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर बी सी बाय क्या ए सी, सही है साइन थीटा बराबर अच्छा ए बी होगा ए बी, तो बी सी बाय ए बी, ए बी का मान कितना है आ? ब्रैकेट में लिखोगे ना ए बी बराबर टू एल, कोनों ने गुना कर दिए तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा टू एल साइन थीटा, समीकरण कितना हो गया समझ में ला। अभी ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है टॉर्क और एफ गुना बी सी, एफ का कितना मान निकाला ए इंटू, अब बी सी का कितना मान निकाला निकाला ना, तो सेकेंड और थर्ड का मान किस में रख देंगे रखेंगे ना, क्या लिखेंगे बोल जल्दी यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड किस में इन इक्वेशन, बोलिएगा फटाफट जल्दी से क्या हो जाएगा टॉर्क बराबर ए इंटू क्यू इंटू न हो गया ये ई एफ का हो गया ये बी सी का हो गया। ठीक है चल एक फॉर्मूला और देखें कॉपी में बताए ना हो वो टॉर्क बराबर ये Q इंटू ट्वेल्व किसके बराबर बताए हैं P ने बताए हैं रे सब खा पी गया एकदम बताए हैं किसका किसका क्लास छूटा है हाथ खा करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का किसका क्लास है सबका छूट गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा तब दिक्कत तो होगा बेटा अच्छा कोई बात नहीं जिसका क्लास छूट गया है को टेंशन मत लीजिए आप लोग ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं दस दिन तक कष्ट करे लगते हो और दस दिन तक त्रासी का और नौ बजे ट्रेन छोड़े लगते हो दस दिन दस से ग्यारह तीस तारीख को स्टार्ट करेंगे नया बैच उसमें दस दिन मात्र ज़्यादा नहीं मात्र दस दिन दस से ग्यारह क्लास करके देख लीजिएगा आपका जो पीछे का जितना भी छूटा हुआ सब बैकअप हो जाएगा टोटल। अब इसको उल्टा पुल्टा के लिख दीजिए क्या हो जाएगा टॉर्क बराबर कोई दिक्कत किसी को यह प्रूफ हो गया ना। अगर इसी को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में इन वेक्टर फॉर्म हिंदी क्या हो जाएगा सदिश रूप में अगर सदिश रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर अक्रॉस A वेक्टर काहे तो इलेवंथ क्लास में पढ़ा होगा इलेवंथ क्लास में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या ए बी साइन थीटा समझ में ला इलेवंथ क्लास में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो क्या बोले उसका कुछ बोल नहीं सकते उसका वर्णन ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है चलिए फिगर बना के जल्दी फटाफट उतारिएगा तो फिगर बनाओ जल्दी से फिगर के नीचे भाषा लिखाएंगे सिर्फ फिगर बनाइए फिगर के नीचे बना के रुकना है क्वेश्चन लिखा चुका बाद में उतारा आंसर
क्वेश्चन लिखा चुके हैं, आंसर उतार। सिर्फ फिगर बनाना है। फिगर बना के रुकना है, उसके नीचे भाषा लिखाएंगे। बोले ना अभी फिगर, तुम लोग नींद में आता है क्या रे? हम तीन चार बार बोल चुके हैं फिगर बना के रुकना है। देखिए वो जो लंब खींचे हैं बीसी, वो डॉट डॉट में ही खींचिएगा, सीधा में नहीं। हम डॉटेड में खींचे, देखिएगा ध्यान से, दिखाना शुरू करें। देखिए माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिस पर चार्ज क्रमशः माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है, जिस पर चार्ज क्रमशः माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है, डायपोल की लंबाई 2L है। लगातार कंटिन्यू, डायपोल की लंबाई 2L है। डायपोल को समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर में, ब्रैकेट में ई वेक्टर, बड़ी ई फिगर में लिखा हो कहीं का ई वेक्टर, देख लीजिएगा ई पे तीर लिख देना है। डायपोल को समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में थीटा कोण के साथ रखा गया है, अतः डायपोल एवं इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर,
इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करता है। युग्म समझते हैं, जोड़ा। डायपोल एवं इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर एक बल युग्म, लिख दें क्या युग्म कैसे लिख दें, एक बल युग्म, एक बल युग्म, एक बल युग्म का निर्माण करता है जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। एक बल युग्म का निर्माण करता है जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। इसके बाद और बचाव इतवारी स्पेशल केस है इसका, दुगो ठीक है, इसका दुगो स्पेशल केस है जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। अतः यहां से उतार लीजिए टोटल ऊपर से, अतः एक्टिंग टॉर्क, जल्दी स्पीड से उतारिए। इसके बाद स्पेशल केस बचा हुआ है दो को, स्पेशल केस भी बताएंगे। स्पेशल केस इस पर बताएंगे। स्लाइड कर दें, इस बार क्वेश्चन टू तक स्लाइड कर देंगे।
दो तक सेलेक्ट कर दें। इस बार इक्वेशन 3 तक सेलेक्ट कर देंगे। स्टार्ट करें। इसका स्पेशल केस भी है। इसका स्पेशल केस दुगो है। बताएं, देखिए स्पेशल केस। फर्स्ट नंबर कहता है कि व्हेन, जब थीटा का मान हो 0 डिग्री, टॉर्क और फॉर्मूला क्या बताया? याद हुआ बोलो तो पी ई साइन थीटा। थीटा का मान कितना रखेंगे? 0 डिग्री। आप जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है? 0। काहे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? ये 0। ये कौन सा वैल्यू हो गया? मिनिमम वैल्यू। चलो उतर यहां जल्दी पहला केस। पहला उतर जल्दी। उतर लिया। सेकेंड नंबर दो केस है। थीटा बराबर कितना हो जाएगा?
90, साइन 90, 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। अब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वही रह जाएगा, 3 रहेगा रे। ये कौन सा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए उतार लीजिएगा ये, बस आज इतना ही।